हेलो एवरीबॉडी, आई होप आई एम लाइव राइट नाउ। अगर कोई मुझे सुन पा रहा है तो फटाफट अपना कमेंट लिखिए, क्या मेरी आवाज सही है, क्या मेरी पिक्चर सही है, मेरी पिक्चर क्वालिटी सही है। अगर कोई गड़बड़ी है तो फटाफट मुझे कोई इन्फॉर्म कर सकता है। यस, फटाफट 2 मिनट पहले लॉगिन करने वाले लोगों का स्वागत है। रमन कुमार विजय जी, क्या बात है, जबरदस्त। तो रमन जी, क्योंकि आप मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहे हो, क्या मेरी पिक्चर क्वालिटी, एवरीथिंग, साउंड इज क्लियर? ओके, परफेक्ट, क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके, क्या बात है, लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू। ओके, सो फ्रेंड्स, फटाफट इस लिंक को पहले कॉपी करना है, इसीलिए वक्त से पहले आना मेरी आदत रही है। सभी लोग जानते हैं मेरी इस आदत को, है ना, वक्त से पहले मैं हमेशा लॉगिन करता हूं। तो आज का सेशन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। महीने का पहला दिन, बिजनेस के लिए फर्स्ट डे, प्लानिंग मीट जिसको कहते हैं। तो अभी बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले, बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज मैं देने वाला हूं, बहुत सारी सरप्राइजेस देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले, हाँ एवरीबॉडी, जितने लोग मुझे गुड आईएमसी बोल रहे हैं, गुड आईएमसी टू एवरीबॉडी, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, फटाफट इस लिंक को अपने अपने ग्रुप में डालिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आप सबका मैं स्वागत थोड़ा स्टाइल से करेंगे और आईएमसी के एक सॉन्ग से हम लोग आज का आपका स्वागत करते हैं। यस यस, तो आप सबका स्वागत है। यस, सारे लोगों का स्वागत है। हाँ, यस, शी इज माय वाइफ डॉक्टर अश्विनी वाजपेयी। सो गुड एमसी टू ऑल। Yes, स्वागत है मेरा भी, थैंक यू वेरी मच। बस 2 मिनट में हम लोग अभी लाइव शुरू करने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। यस, स्वागत है आप सबका। फटाफट इस लिंक को कॉपी करिए और इस लिंक को फटाफट अपने अपने ग्रुप में डालिए, एंड विद इन 2 मिनट्स वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन। यस, वंदे मातरम। यस, Yes, आपके आने से बाहर डेफिनेटली आती है, इतने लोग आते हैं लाइव में सुनने के लिए तो डेफिनेटली आपके आने से बाहर आती है। Yes, चेक उठाए सारा वातावरण। वुड यू लाइक टू से गुड आईएमसी टू एवरीबॉडी? गुड आईएमसी एवरीबॉडी। यस यस, सभी लोगों को गुड आईएमसी। तो चलिए साथियों, लेट्स बिगिन विद द जर्नी। 9:02 हुआ है, सो विल स्टार्ट विद द जर्नी। यस, थैंक्स, चलिए, बाय एवरीबॉडी। यस, चलो। यस, तो फ्रेंड्स, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक एवरीबॉडी ऑफ यू, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस सुपर डुपर एपिसोड। आज का जो थीम है, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन विनर्स टॉक शो, विनर्स टॉक शो, रमन कुमार विजय पेज पर आप सबका स्वागत करता हूं। और ये विनर्स टॉक शो जो है, ये डेली रात को 9 बजे होगा, एवरी डे नाइट 9 PM। पूरे 30 डेज का शेड्यूल आई एम श्योर आप लोगों को मिल चुका है ना, 30 डेज का शेड्यूल आपको मिल चुका है। तो विनर्स टॉक शो में आप सबका स्वागत है। इस विनर्स टॉक शो में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, रेगुलर, मेक श्योर आप लोग रोज रात को इसको अटेंड करें। चलिए साथियों, सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन, मतलब गणेश चतुर्थी का पूरा जो चल रहा है हमारा महाराष्ट्र में, तो बहुत धूमधड़ाका चल रहा है। सो लेट्स बिगिन ऑल विद, कहते ना, गणपति जी के ब्लेसिंग्स के साथ में। आई विश गणपति बप्पा के आप सभी को, जितने लोग आज इस लाइव में हैं, सारे लोगों को उनकी ब्लेसिंग्स से नवाजें, ताकि हम सब आईएमसी परिवार हमेशा सुखी समृद्ध रहें। सो मे गणपति बप्पा गिव ऑल द ब्लेसिंग्स टू आईएमसी फैमिली। सो मेरे साथ जितने भी लोग बोल सकते हैं, गणपति बप्पा
मौर्या, राइट। सो गणपति बप्पा मौर्या के साथ में आज का हम आगाज करते हैं। सो ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बस एक मिनट का समय मैं आपको और दे रहा हूं। फटाफट एक मिनट में लिंक को शेयर करिए एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट हम लोग बातें करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, स्ट्रेट फटाफट। यस, ओनली वन मिनट। यस, गणपति बप्पा मौर्या, सुनील बनवाल जी, गणपति बप्पा मौर्या डेफिनेटली। चलिए सबसे पहले मैं आपको आज की गुड न्यूज दे दूं, सबसे पहले आज ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे दूं, क्योंकि कई लोगों ने अभी शायद ग्रुप नहीं देखे होंगे। साथियों मैं आपको गुड न्यूज दे दूं, इस मंथ हमारा जो आईएमसी बिजनेस है ये लास्ट मंथ के कंपेयर में बहुत अच्छी क्लोजिंग गई हमारी, बहुत ही शानदार क्लोजिंग, और इस शानदार क्लोजिंग के आप सभी लोग हकदार हैं। मेरी तरफ से एक जबरदस्त क्लैपिंग हम सबके लिए। साथियों 5000 बीवी, कई लोग मुझे बोलते हैं 5000 बीवी सर कोई करता नहीं, हमारी टीम में कोई करता नहीं, पता नहीं कैसे लोग कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, पिछली बार से लगभग 70% लोगों ने 5000 बीवी ज्यादा क्वालिफाई किया है लास्ट टाइम के कंपेयर में, यानी कि लास्ट मंथ के कंपेयर में इस मंथ 70% ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, नंबर्स की बात करूं, तो लास्ट मंथ जो था अप्रोक्सीमेटली 5000 लोगों ने क्वालिफाई किया था, 5000 बीवी, बट दिस मंथ द गुड न्यूज इज 8400 पीपल, 8400 लोगों ने क्वालिफाई किया है। सो ऑलमोस्ट 70% का जंप। सो आप सबको हैट्स ऑफ, टर्नओवर इसीलिए हमारा बहुत शानदार हुआ है। तो 5000 बीवी कंसिस्टेंसी, यस डेफिनेटली इट्स अमेजिंग माला जी। दूसरी गुड न्यूज चलिए फटाफट अब मैं देखना चाहूंगा कितने लोग गुड न्यूज सुनने के लिए तैयार है, कितने लोग गुड न्यूज सुनने के लिए तैयार है। बहुत ही धमाकेदार न्यूज अगले 3 महीने के लिए आईएमसी ने हमको दिए, बहुत ही जबरदस्त। आप लिखिए यस आई एम एक्साइटेड, लिखिए आई एम एक्साइटेड फॉर द गुड न्यूज। फटाफट मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं, बहुत सारी गुड न्यूज देने वाला हूं, लेकिन पहले आपके एक्साइटमेंट लेवल चेक करूंगा, क्या आप भी उतने एक्साइटेड हैं? राइट डाउन यस वी आर एक्साइटेड फॉर द गुड न्यूज, राइट डाउन। हाँ पुनमेश जी, यस यस, भावना जी, यस थैंक यू, अमेजिंग, यस राइट डाउन, यस अमित जी इज रियली एक्साइटेड, राजेंद्र जी इज रियली एक्साइटेड, माला जी इज एक्साइटेड, ओके परफेक्ट। तो साथियों दिल थाम के बैठिए, हाँ नवीन जी भी हमारे हैं, मोहन प्रसाद जी, तो दिल थाम के बैठिए। हाँ भावना जी भी हमारी छत्तीसगढ़ से एक्साइटेड फॉर द गुड न्यूज, सोनल गोसालिया जी, राजन जी, एवरीबडी। So the good news for the next 3 months, the good news is जो IMC में qualified superstar जो 30,000 बीवी से किया जाता था, अगले 3 महीनों के लिए यानी कि September, October and November, ये 3 महीने के लिए IMC की तरफ से गणपति बप्पा का आप तोहफा समझ सकते हो, ये 30,000 बीवी के बदले only 20,000 बीवी किया गया है, ओनली 20,000 बीवी। माई डियर फ्रेंड्स 20,000 बीवी, सोचिए सुपरस्टार। और मजे की बात और एक इसमें गुड न्यूज है, पहले जितने भी ऐसे कोई ऑफर आते थे उसमें फंड्स हमको नहीं मिलते थे, बट इस बार अगर आप 20,000 बीवी करते हो तो भी आपको सुपरस्टार फंड मिलेगा। दूसरी बात, एक्स्ट्रा बीवी भी काउंट होंगे। पहले था कि ऑफर्स में काउंट नहीं होते हैं, चाहे आप एफपीओ कराओगे तो एफपीओ में काउंट नहीं होते हैं हमारे एक्स्ट्रा बीवीज। इस मंथ एक्स्ट्रा बीवी वाले कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, हर ऑफर में बैंकॉक को छोड़कर, आई रिपीट बैंकॉक ऑफर को छोड़कर, हर ऑफर में आपका एक्स्ट्रा बीवी भी काउंट होगा, हर ऑफर। सोचिए कितनी बड़ी धमाकेदार न्यूज है, यानी कि आज तक आईएमसी में जो नहीं हुआ वो हो गया है। सो थैंक्स टू गणपति बप्पा, डेफिनेटली गणपति बप्पा बहुत सारे जबरदस्त गुड न्यूज हमारे लिए, हमारे आईएमसी परिवार के लेके आए हैं। तो 20,000 बीवी से आप लोग का लेग मेंटेनेंस, बट यहां पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, दिस ऑफर इज ओनली अप टू चेयरमैन लेवल, यानी कि जितने भी हमारे चेयरमैन लेवल है, चाहे सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड एंड चेयरमैन, आप लोग अपना अपना लेवल
20,000 बीवी से भी मेंटेन कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि आपको 20,000 से ही करना है, दैट इज द बेयर मिनिमम। कई लोग कहते थे ना सर हमारा बिजनेस डाउन चल रहा है, हम लेवल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो देखिए साथियों अगले 3 महीनों के लिए लगा दीजिए पूरी जान, हम आपके साथ में हैं। 20,000 बीवी से आप अपना लेवल मेंटेन कर सकते हो, तो है ना ये जबरदस्त एक धमाकेदार न्यूज। दूसरा मुंबई क्रूज ऑफर। यस, मुंबई क्रूज ऑफर में पहले आपने देखा था कंपनी ने थोड़ा टाइट रखा हुआ था, लेकिन गणपति बाप्पा की ब्लेसिंग के साथ में मुंबई क्रूज ऑफर में ना केवल नए लोगों को बल्कि पुराने लोगों को भी शामिल किया गया है, यानी कि इवन द ओल्ड आईडीज। 5,000 बीवी नॉन चेयरमैन लेग से आपका आएगा वो ऑटोमेटिकली काउंट होगा। मैं मजे की बात बता दूं, अभी तक जो मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है, 100+ लोग ऑलरेडी इस मुंबई क्रूज ऑफर में क्वालिफाई कर चुके हैं फर्स्ट मंथ, 100+ बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटिंग ऑफर। So isn't that great? Yes, 100 लोगों ने मुंबई क्रूज ऑफर, यानी कि जितने भी चेयरमैन एंड अबव लोग हैं उनके पहले क्या था, सिर्फ नए लोगों से करवाना था, लेकिन अभी कंपनी ने रिलैक्स कर दिया है। आपके किसी भी ग्रुप से 5,000 बीवी, नए आईडी ओल्ड आईडी होगा तो भी काउंट किया जा रहा है। तो मुंबई क्रूज ऑफर में ऑलरेडी धमाकेदार न्यूज है कि 100 पीपल हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, और जो मेरा अनुमान है कम से कम 300 से 500 लोग इस मुंबई क्रूज ऑफर का मजा लेने वाले हैं। साथियों मुंबई क्रूज ऑफर कम से कम 30,000 रुपए की है, 2 नाइट 3 डेज, एक्साइटिंग जबरदस्त मुंबई क्रूज ऑफर। तो जो लोग चेयरमैन नहीं है फटाफट चेयरमैन बनिए, जो लोग क्रूज में जाना चाहते हैं अपने अपने अपलाइन से बात करिए कि वो लोग कैसे क्रूज ऑफर जा सकते हैं। साथियों अगर आप चेयरमैन नहीं हो, अगर आप रूबी हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, लेकिन ये मत समझो कि यार सर ये ऑफर तो सिर्फ चेयरमैन एंड अबव के लिए है, आपके लिए भी ऑफर हो सकता है। कैसे, आप अपने अपने सीपी अपलाइन से बात करिए, मे बी वो आपके लिए कुछ रास्ता बताए कि कैसे इसको पॉसिबल किया जा सकता है, ही विल शो यू द वे, राइट। तो साथियों ये था एक 2-3 जो आपके ब्रेकिंग न्यूज है, बाकी बहुत सारे भी एक्स्ट्रा बीवी वाले अभी आपके पास, आई एम श्योर बहुत लोग के पास पोस्टर आ चुका होगा। चलिए साथियों तो ब्रेकिंग न्यूज के साथ में अब हम कुछ बात करेंगे हमारे बिजनेस की स्ट्रेटेजीज की। अब कुछ सीरियस टॉपिक हो जाए, क्योंकि बेड़ा अगर हमने बड़ा उठाया हुआ है, अगर 5,000 बीवी को हमको हिट करना है, मैं आपको अगर पूरा आंकड़ा दूं, इस मंथ 8,400 पीपल हैव डन द 5,000 बीवी। दिस मंथ वी आर टारगेटिंग ऑलमोस्ट 30,000 लोगों पे 5,000 बीवी। तो इस महीने आप लोगों का, मेरा, सभी लोगों का एक ही नारा होगा, 5,000 बीवी बार बार लगातार हर बार। यहां पे मुझे कई लोगों का सवाल आता है, सर यार ये कंपनी ने कंपलसरी कर दिया है। किसी ने कंपलसरी नहीं किया है, कोई भी कंपलसरी नहीं किया हुआ है, ये आपको अनुमानित, आपको करने के लिए उत्साहित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। फ्रेंड्स कभी भी कोई चीज कंपलसरी नहीं होती है। आप लोग, कई लोगों को मेरे पास कॉल आता है, सर कंपलसरी कर दिए कंपनी ने, ऐसा कैसे, नथिंग कैन बी कंपलसरी माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, नथिंग कैन बी कंपलसरी, बट इफ यू डू आपका बहुत ज्यादा फायदा हो। मैं अभी सबसे पहला ब्रेक लेना चाहता हूं यहां पे, कितने लोग हैं यहां पे, क्योंकि अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो, लीडर की जिम्मेदारी है पहले वो खुद 5,000 बीवी करता है, तो कितने लोग यहां पे हैं, तो सबसे पहले तो ये यहां पे कमिट करते हैं फेसबुक पेज पर, यस मैं करूंगा 5,000 बीवी, लिखिए पहले, लिखिए मी आई आई। आज मैं देखना चाहता हूं, अभी लगभग 368 लोग है मेरे सामने लाइव में, अब इसमें से कितने लोगों का जवाब आता है मैं देखता हूं, मैं देखता हूं कितने लोगों में दम है, मैं देखना चाहता हूं दम वाले लीडर के साथ में हूं या मरे कुछ लोगों के साथ मैं सामने खड़ा हूं, देखता हूं कितने लोगों में दम है फेसबुक लाइव में लिखने का। चलिए आए, अमित जी ने लिखा है आए, माला शिवहरे आए, शाकिर जी, दीपाली कटकर, यस राइट डाउन, देखो कौन कौन लिखता है, भावना जी 5-6, मनोज गुप्ता आई विल डू, हाँ जी करेंगे, ओके राइट डाउन। अरे जो लिख नहीं सकता वो क्या परफॉर्म करेगा, लिखने में भी दम नहीं है। शिव कुमार सोनी जी, यस, नरेश बडाना जी आई एम डन यस्टरडे, संजय सिंह, अरे यस्टरडे, ओके चलो यस्टरडे क्लोजिंग में किया होगा,
आई एम रेडी. ओके, शिवकेश जी हैं, हमारे राजन जी हैं, मुमताज जी हैं. ओके, फैंटास्टिक. राइट डाउन, राइट डाउन. सुशील चावला जी, आई विल डू. मनोज गुप्ता जी. साथियों लिखेंगे, थिंकिंग इज वर्थलेस. इंकिंग, इंकिंग, थिंकिंग नहीं करना है, इंकिंग करना है, यानी कि लिखना है. लिखोगे, आपकी टीम आपको देख रही है. ये फेसबुक लाइव सब जगह जाने वाला है. चंद्रकांत जी, यस, ये आपको सब जगह फेसबुक लाइव जाने वाला है. आपकी टीम आपको वॉच कर रही है. नाना डोई फोड़े जी हमारे नासिक से. संदीप वाजपेयी जी, यस, कानपुर से. नाना भाई डोई फोड़े. पुनमेश्वर जी बिहार से. मनमत जी ओडिशा से. क्या बात है, क्या बात है, झड़ी लग गई है. पीके शर्मा जी दिल्ली से. खतरनाक, खतरनाक लीडर से आज मेरे साथ में. यस, यही मुहिम हमको चलानी है. कुछ नहीं सुनना हमको, 1000 2000 नहीं, ऑलमोस्ट 5000 बीबी का डुप्लीकेशन. फ्रेंड्स, हम नहीं करेंगे, हम करवा भी नहीं पाएंगे, राइट? तो हमको पहले करके दिखाना पड़ेगा 5000 बीवी की मुहिम. क्योंकि 5000 बीवी के लिए इस बार हमारे सामने बहुत सारे, एक कहते हैं ना, टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कैसे करना है. चलिए साथियों, अब चलते हैं थोड़ा टॉपिक की तरफ. तो 5000 बीवी पे हमको फोकस करना है. कल से ही शुरू हो जाइए. 5000 बीवी, नथिंग लेस देन 5000 बीवी. 5000 बीवी बार 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 बार. चलिए साथियों, फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं, आई एम अ डॉक्टर. हमारा अगर शरीर बीमार होता है तो उसके लिए दवाई है. लेकिन साथियों, अगर हमारी सोच बीमार है तो आपके बिजनेस के लिए घातक है. कई लोग यहां पे मैं जानता हूं, कई लोगों को मैं जानता हूं, सर मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, लोग मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, बिजनेस बहुत डाउन हो रहा है, आईएमसी प्लान बदल देती है बार बार, मजा नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आईएमसी खत्म हो जाएगी. बीमार सोच, ये बीमार सोच ही ऐसा सोच सकता है. साथियों, क्या हुआ, थोड़ा अगर बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, दैट इज वॉट बिजनेस इज ऑल अबाउट. बिजनेस ऊपर नीचे, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं. अगर स्ट्रेट लाइन चलती है वो तो फिर नौकरी हो गई. बिजनेस ऊपर नीचे अगर चला जाता है और आपके हौसले पस्त हो जाते हैं, दैट मींस आपका शरीर नहीं, आपकी सोच बीमार है. बिजनेस डाउन हो गया, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, लोग कैनोपी नहीं लगा रहे, लोग प्लान नहीं दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन कौन लाएगा? आप. बिजनेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी. लोग नहीं जा रहे, आप जाइए. यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी. यू आर द हीरो. याद रखना है, ये आपकी स्टोरी है. आपकी स्टोरी में मैं एक चीज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, एक चीज कभी नहीं देखना चाहता. या मैं अपनी स्टोरी की बात करूं, मेरी स्टोरी के अंत में मैं कभी भी ये लिखा हुआ नहीं देखना चाहता कि मैंने हार मान ली. नो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी के अंतिम पेज में मैंने हार मान ली, ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए. आखिरी कतरे तक हमको लड़ना है. बिजनेस डाउन जाएगा, नेवर माइंड, वी विल वर्क अगेन. कैसे करना है, क्या करना है, मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं. सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा प्रायोरिटी वर्सेस द ऑप्शन पार्ट. प्रायोरिटी, क्या आईएमसी आपकी प्राथमिकता है? अगर प्राथमिकता है तो सबसे पहले आज हम एक्शन प्लान पे बात करेंगे. कई लोग बोलते हैं, सर इस महीने में ये करूंगा, सर मैं उस महीने. एक्शन प्लान नहीं, कल क्या करने वाले हो. एक्शन स्टार्ट्स नाउ. टुमारो इज द डे माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सीज इट. कल फर्स्ट डे ऑफ एक्शन है. कल पहला दिन है हमारे बिजनेस का. कल है कैनोपी डे. कल है कैनोपी डे. कितने लोग इस लाइव में हैं जो कैनोपी खुद लगाने वाले हैं, और किसकी टीम में कितनी कैनोपी लगने वाली है, फटाफट कमेंट करिए. देखो जरा कितने जाबाज लोग हैं, खाली बातें करने वाले शेर हैं या एक्चुअल कुछ काम करने वाले लोग भी हैं. लिखिए फटाफट, लिखिए फटाफट, लिखिए लिखिए. कैनोपी कौन लगाने वाला है? जो लोग नहीं लगाने वाले हैं बिल्कुल इसमें कमेंट ना करें. मुकेश कुमार, यस, लिखिए लिखिए, मुझे पता है. अंजू शर्मा जी, यस, जो नागालैंड वाले भी तैयार है. राजाराम चौधरी, यस, फैंटास्टिक. हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए. अमित जैन जी, दीपाली काटकर, मनोज गुप्ता जी, जो लोग तैयार है केवल वही लिखेंगे जिसमें दम होगा. जिसमें दम नहीं है ऐसे लोगों का तो वैसे भी आईएमसी में कुछ काम नहीं है. ओनली 5 लगेगी. भावना जी, 5 इज नॉट अ बैड नंबर, 5 इज अ गुड नंबर. सो ग्वालियर डिजर्व्स अ क्लैप. ग्वालियर वाले पिकिंग अप. नरेश बडाना जी, खुशवा जी, 10 लोग लगा रहे, फैंटास्टिक. आप भी लगाओगे भावना जी, वेरी नाइस. संजय कुमार सिंह जी, यस, लिखिए लिखिए.
मैं अपने टीम के साथ दिल्ली में लगाने वाला हूँ, सचिन रागी जी। ओके फैंटास्टिक, क्या बात है। मैं टीम में भी लगेगी शिवकेश जी, यस कल मैं लगाऊंगी। मुमताज अवैस जी, ओके दिल्ली वाले हैं शायद आप, चेयरमैन स्टार, फैंटास्टिक। शिव कुमार सोनी, लवली लवली लवली। तो कल इज द डे माय डियर फ्रेंड्स, कल का एक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस बिजनेस में पूरे महीने टारगेट पूरा करने वाले हो या नहीं, क्योंकि बातों से नहीं, इट्स नाउ एक्शन टाइम। टुमारो इज द डे ऑफ एक्शन। अभी रात को फटाफट अपने टीम में ऑडियो डालना है कि कल मैं यहां इस लोकेशन पे कैनोपी लगा रहा हूं या लगा रही हूं, और कल से माहौल बनाना है, माहौल बनाना है, क्योंकि 4 तारीख से हमारे मेगा आरएएस शुरू हो रहे हैं। मेगा आरएएस फ्रेंड्स, आरएएस इस बार बहुत ही धमाकेदार प्लान किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्शन टाइम। बहुत हो गई बातें, हम ये करेंगे सर, बहुत बिजनेस डाउन हो गया, मजा नहीं आ रहा है, शुरू करेंगे दोबारा से। जो लोग को लगता है कि बिजनेस खत्म हो गया, नो, इस महीने बिजनेस ने ग्रोथ लिया है। आई हैव द फिगर्स इन माई हैंड। ऑलमोस्ट बिजनेस पिछले महीने से बहुत ही जबरदस्त हुआ, अच्छे लेवल्स निकले हैं, कई लोगों ने मंथली मानसून बोनांजा क्वालिफाई कर लिया है। साथियों, यहां पे मैं एक चीज आपको मैं टिप देना चाहूंगा। आपने सुना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर, हमारे एसोसिएट, एक होता है आत्मनिर्भर और एक होता है अपंग। द मंत्रा ऑफ सक्सेस, यू शुड मेक योर टीम आत्मनिर्भर, ना कि अपंग। मैं ऐसे कई लीडर्स को जानता हूं कि सर मैं अगर काम करता हूं तो ही काम होता है, मेरी टीम में कोई काम नहीं करता, मेरी टीम में कोई कैनोपी नहीं लगाता, मेरी टीम में कोई प्लान नहीं लेता, मेरी टीम में कोई आईबीएम नहीं लेता। आत्मनिर्भर टीम नहीं है, अपंग टीम है आपकी। और बैसाखी के सहारे चलने वाले लीडर्स वैसे भी ज्यादा नहीं चल पाएगा। यू हैव टू वर्क विद द राइट पीपल, आइडेंटिफाई हु आर द राइट पीपल इन योर टीम। आपके टीम में सही लोग कौन से हैं आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आज ही अपनी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, आइडेंटिफाई करिए कि मैं कैसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूं। कौन आज रात को सोने से पहले, मैं अभी आपको टिप दे रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई कौन आपके बिजनेस के लिए सही है और कौन सही नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई इमीडिएटली, ये लाइव जब खत्म होगा, लाइव खत्म होते ही आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है, अपने अपने ग्रुप्स में डालना है कि इस महीने का जिस लोगों ने भी टारगेट लिया हुआ है, आप लोग अपना अपना टारगेट सबमिट करिए और उन टारगेट को कैसे पूरा करने वाले हो, और उस टारगेट में एज एन अपलाइन मेरी आपको कहां पे जरूरत लगने वाली है आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, दे आर नॉट योर राइट प्रोस्पेक्ट, या दे आर नॉट योर राइट बिजनेस पार्टनर, दे आर देयर ओनली टू वेस्ट योर टाइम। उनको टाटा बाय बाय, तुम रूठे हम छूटे, उनका फोन उठाना भी बंद कर दीजिए, दे आर नॉट द राइट प्रोस्पेक्ट। साथियों, एक बात याद रखना है, वर्क ओनली विद राइट पीपल, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना जो मैं बता रहा हूं, आत्मनिर्भर वर्सेस अपंग, आपकी टीम अपंग है। अपंग यानी कि दे नीड सपोर्ट फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। सर आप आओगे तो ही काम चलेगा, मैडम आप आओगे तो ही काम चलेगा, मैडम आप आते हो ना तो ही काम होता है, दैट मीन्स यू डोंट हैव एन आत्मनिर्भर टीम, इंडिपेंडेंट जिसको मैं कहता, आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बोल लो। तो आत्मनिर्भर वर्सेस अपंग टीम, तो अब आपके पास कौन सी टीम है, किसमें दम है लिखने का, कौन लिखता है यहां पे कि यस मेरे पास आत्मनिर्भर टीम है और मेरे पास अपंग टीम है। लेट्स फेस इट, सच का सामना, लिखिए। लुकिंग वेरी यंग, क्या बात है, थैंक यू पवन जी, आर्मी वालों का भाई आशीर्वाद है हमारे ऊपर। ओके, कितने लोगों में दम है ये लिखने का कि यस मेरे पास एक अपंग टीम है, देर इज कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्ट से ही रियलिटी बदलेगी। मेरी टीम आत्मनिर्भर टीम है सर, माला जी, वेरी नाइस, लिखिए लिखिए लिखिए, आत्मनिर्भर वर्सेस अपंग, बोलो मेरी टीम अपंग है, अपंग टीम। अर्चना, ओके अपंग टीम, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, ओके आई हैव अपंग टीम, वेरी नाइस। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है एक्सेप्ट करने से, दिस इज लेवल ऑफ रियल, आई सैल्यूट एवरीबॉडी जो ये बोल रहा है मेरी अपंग टीम है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि फेंकने के दिन गए,
मोटिवेशन से ज्यादा नहीं चलता। राइट डाउन, मेरे पास अपंग टीम है, अपंग टीम है, फैंटास्टिक, हमारे मनोज गुप्ता जी, वेरी नाइस, नाना भाऊ डोई फोड़े फ्रॉम नासिक, मेरी टीम आत्मनिर्भर है, ओके, आत्मनिर्भर, अपंग टीम है अमित जैन जी, वेरी नाइस, राइट डाउन, अपंग टीम है मेरी, अपंग टीम। तो अपंग टीम के लिए हम लोग बहुत जल्द ट्रेनिंग लाने वाले हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, लिखिए लिखिए लिखिए, यस अपंग टीम, आपको भी अच्छा लगेगा। आज आज कहते ना कन्फेशन का डे है, टुडे इज द डे ऑफ कन्फेशन माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग गणपति बप्पा हमारे सारे विघ्न को हरने वाले हैं, राइट, हमारे सारे दुखों को निवारण, कहते ना सुख करता दुख हरता, दुख हरता सारे हमारे दुख, सारे जो हमारी अपंग टीम है वो सबका। बीके शर्मा जी हमारे दिल्ली से बोल रहे अपंग टीम है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आई एम वेरी वेरी टच्ड एंड ऑनर्ड कि आप लोग सारे लोग सच्चाई लिख रहे हो। ऑल आर इन कम्फर्ट जोन, अंजू जी लिख रही है ऑल आर इन कम्फर्ट जोन, नेवर माइंड नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कम्फर्ट जोन साथियों ये बहुत ही आम बात है, बिकॉज सक्सेस की कीमत हर एक के बस की बात नहीं है, नो बडी कैन अफोर्ड सक्सेस, किसी का औकात नहीं है, सक्सेस के लिए कीमत चुकानी पड़ती है माई डियर फ्रेंड्स, और ये जो लोग कम्फर्ट जोन में है ये लोग वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर दांव में, अगर हमको जुआ खेलना है, अगर जुआ में कुछ जीतना है तो दांव पे कुछ तो लगाना पड़ेगा। आप सफलता पाने के लिए क्या दांव पे लगाने को तैयार हो? अगर आप अपना टाइम दांव पे नहीं लगा सकते, अगर अपन एफर्ट दांव पे नहीं लगा सकते, सफलता भूल जाइए। देयर इज नो फ्री लंच माय डियर फ्रेंड्स, यस पैरालिसिस है सब, बिल्कुल पैरालिसिस है, पैरालाइज्ड है, उनको छोड़ दो, फाइंड अ न्यू टीम, वो लोग पैरालाइज्ड है, आप तो पैरालाइज्ड नहीं हो, हम जब खड़े हैं ना जब तक, कोई बात नहीं। आपने वो कालिया पिक्चर का डायलॉग सुना ना कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, आई एम वेरी इंप्रेस बाय द अमिताभ बच्चन डायलॉग, कि हम वो है जहां पे खड़े हो जाते हैं ना लाइन वहीं से शुरू होती है, दैट शुड बी द काइंड ऑफ एटीट्यूड जो एक लीडर का होना चाहिए, राइट। तो हम जहां पे खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाए, साले सब अपंग लोगों को मारो गोली, हम नई टीम खड़ी करेंगे, ये प्रण के साथ में, ये प्रण के साथ में, यू हैव टू यू नो क्रॉस ऑल द बैरियर्स, रिमूव ऑल द ग्रजेस, जो जो आपकी बात नहीं सुनते हो उनको फिलहाल इस महीने के लिए कहते हैं ना उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए, यस बॉयकॉट इज द राइट वर्ड अल्ताफ, यस बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी तादाद में लोग लिख रहे हैं अपंग टीम है, दैट्स वेरी नाइस, आई सैल्यूट यू ऑल, क्योंकि मुझे झूठ मूठ का मोटिवेशन सुनना अच्छा नहीं लगता, यस ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा बिजनेस जीरो, एक्सेप्ट करोगे सोल्यूशन निकलेगा, एक्सेप्ट नहीं करोगे सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, एक्सेप्ट करना इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, नाउ वी विल फाइंड अ सोल्यूशन इट, मैं आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी इस महीने में बहुत सारी ट्रेनिंग देने वाला हूं कि कैसे हम लोग न्यू प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करने वाले हैं। तो साथियों हमने देखा, आपको एक बात समझना पड़ेगा, कई लोग मुझे बोलते हैं आईएमसी में, सर मैं सोच रहा हूं दूसरे प्लान ज्वाइन कर लूं, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूं, मैं सोच रहा हूं इस कंपनी में ज्वाइन कर लूं, उसका प्लान बेटर है, उसका 2 लाख का प्लान है, उसका 4 लाख का प्लान है, उसका 10 लाख का प्लान है। एक चीज आप लोग नोट डाउन करिए, दुनिया में कोई भी प्लान काम नहीं करता, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करता, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज काम करती है, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम, औसत का नियम काम करता माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो फलानी कंपनी बहुत अच्छी है तो वहां पे हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं है, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत अच्छी है तो हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन जा रहा है, LIC बहुत अच्छी है तो हर व्यक्ति वहां पे MDRT क्यों नहीं कर रहा है, कोई भी कंपनी, चाहे वेस्टिज का नाम लो, केवा का नाम लो, के लाइफ केयर का नाम लो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लीडर मिलते हैं, अरे सर वो वेस्टिज तो बहुत बढ़िया है, सर वो तो के लाइफ केयर बहुत बढ़िया है, अरे भैया अगर वो बहुत बढ़िया है तो हर व्यक्ति क्यों कामयाब नहीं है वहां पे, वहां पे भी क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज सब जगह काम करता है। हाँ ये क्यों छोड़ के चले गए, आप पूछो जाके उनको क्यों छोड़ के चले गए, शायद हमको तो नहीं पता क्यों छोड़ के, शायद आपको बता दे वो, है ना। हाँ जी, तो साथियों लॉ ऑफ एवरेज को, नियम को ध्यान रखना है, एवरीबडी इज नॉट मेड फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे IMC हो या कहीं भी हो, डोंट वरी, आपने 100 लोग हैं आपकी टीम में, ओनली 20 पीपल आर गोइंग टू वर्क, ये नियम याद रखो,
सो कोई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज ही काम करेगा दुनिया के किसी भी क्षेत्र में। अगर डॉक्टर है, मिठाई वाले है, ज्वेलर्स है, हर जगह 20% लोग ही सफल है। तो डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट कि नहीं मैं कंपनी बदलने से मेरे को सफलता मिलेगी, मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं रह के हमको काम करना है। तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब आपने, मैंने कई लोग को देखा IMC में काम करते हो, डर डर के काम करते हैं। साथियों, कमेंट्स बहुत फास्ट जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट जारी रखिए, मैं बाद में सबका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, कमेंट जारी रखिए। तो साथियों, मैंने कई लोग को देखा हुआ डर डर के काम करते हैं। साथियों, जब IMC आप लोगों ने सिलेक्ट किया था, जिस दिन आपने सिलेक्ट किया था, यू हैड सीन द प्लान, यू हैड सीन द प्रोडक्ट्स, यू हैड सीन एवरीथिंग, आपने सब कुछ देख लिया था, फिर अब क्या सोच रहे हो, आज क्यों सोच रहे हो? जिस दिन IMC में जुड़े थे उस दिन क्यों नहीं सोचा उस दिन, तो आज कछुए की चाल क्यों चल रहे हो? अगर आपने सोच लिया IMC इज गुड, IMC का प्लान इज गुड, IMC के प्रोडक्ट्स आर गुड, तो अब देर किस बात की? कौन रोक रहा है आपको स्पीड पकड़ने से? कौन रोका है आपका हाथ? Why only few people are running like rabbits and why few people are crawling like tortoise? कौन रोक रहा है आपको? आप याद करिए, आप ही ने IMC को सिलेक्ट किया था, आपको ही प्लान अच्छा लगा था, आपको ही प्रोडक्ट अच्छा लगा था। तो जब आपको सब कुछ पसंद आया है तो डर के क्यों काम करना? खुल के खेलो ना, एक बार खेल डालो, एक बार खुल के। डरना नहीं है, किस बात का डर? मैं आपको गुड न्यूज दूं, अभी मैं आपको गुड न्यूज देता हूं फ्रेंड्स। नवंबर में वी आर लॉन्चिंग मलेशिया में, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको, मलेशिया में वी आर लॉन्चिंग मलेशिया, एंड मलेशिया का नेटवर्किंग का MLM का लाइसेंस भी आ चुका है। और मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, और भी आपको प्रोफाइल में आप ऐड कर सकते हो अपने, कई लोग को शायद ये नहीं पता होगा, हरिद्वार और देहरादून में IMC ग्रुप के 5-स्टार होटल के साथ में टाई अप भी हो चुका है, बहुत बड़े होटल के साथ में टाई अप भी हो चुका है। अभी आने वाले RS में आपको सब बहुत सारी जानकारी मिलने वाली। मैं आपको बता दूं, हमारा प्रोफाइल दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। यू कैन वेरी वेल टेल इन द मार्केट के वी IMC मैनेजमेंट, वी आर 50% पार्टनर इन 5-स्टार चेन ऑफ होटल्स ऑल्सो इन हरिद्वार एंड देहरादून। यस, बिल्कुल आप बता सकते हो, ये फेदर इन द कैप। तो साथियों, ये बात याद रखिए, हमारा प्रोफाइल दिन ब दिन बढ़ रहा है, हम मलेशिया लॉन्च कर रहे हैं, ग्रेजुअली वी विल बी गोइंग टू थाईलैंड, प्रोफाइल बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, टर्नओवर अच्छा जा रहा है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे लोग नहीं है, मेरे लोग छोड़ के चले गए। साथियों, आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। RAS भीड़ भाड़ होने वाली है, हर जगह 2,000-4,000 लोग तो भर भर के आ रहे हैं, आपके लोग नहीं आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पार्क की कमी है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, हमारा प्रोफाइल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और भी बहुत सारी न्यूज है जो मैं अभी नहीं ब्रेक कर सकता, आपको RAS में हमारे MD सर खुद बताने वाले हैं। बहुत सारी बातें, मतलब मैं अगर सिर्फ आपको न्यूज देने लगूं तो मेरे पास 2 घंटे चले जाएंगे, मेरे पास इतनी सारी न्यूज है अभी आपको देने के लिए, लेकिन कुछ RAS में मैंने MD सर के लिए बचा के रखी है। तो अब मैं आपको बता दूंगा बिजनेस की हीलिंग, क्योंकि डॉक्टर हूं। अब ये पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, जितने लोग हैं यहां पे, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि अब मैं इसको बीमारी से कनेक्ट करने वाला हूं। साथियों, जब हमको डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एनी डिजीज, जब हमको डिजीज होती है, तो एज अ डॉक्टर दो कारण होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, यानी कि एक बाहरी कारण होता है और एक अंदरूनी कारण होता है, राइट? बीमारी के दो कारण होते हैं, पहला बाहरी, दूसरा अंदरूनी। फॉर एग्जाम्पल, बाल झड़ने की हम बात करें तो बाल झड़ने के लिए बाहरी कारण क्या होता है? डैंड्रफ, हेयर कलर, डस्ट, रूसी, डैंड्रफ यानी कि, है ना, पोल्यूशन, सन एक्सपोजर, ये बाहरी कारण है हमारे हेयरफॉल के। अंदरूनी कारण क्या है? स्ट्रेस, लैक ऑफ आयन, कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ वाटर, ये क्या है? अंदरूनी कारण है। तो अगर आपको बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना है
तो सिर्फ एक्सटर्नल को हील करने से काम नहीं चलेगा, आपको इंटरनल भी काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। नाउ कमिंग टू आईएमसी बिजनेस, आपके आईएमसी बिजनेस के भी दो कारण है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, देर आर टू रीजंस, एक्सटर्नल इंटरनल। ये बहुत ध्यान से सुनना है मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी में आप सबका सॉल्यूशन है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके बिजनेस को डाउन हुआ है, आपका मनोबल डाउन हुआ है ना, तो देर आर टू रीजंस, फर्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर, सेकेंड इज इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? टीम छोड़ के चली गई है, कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। कोई प्लान नहीं ले रहा सर, कोई हमारे पास नए प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहे, कैनोपी नहीं लगा रहे, मैं कैनोपी लगा सकता हूं। एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो हम निपटा सकते हैं। कमिंग टू द इंटरनल फैक्टर्स, जो आपका मेन जड़ है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, दुनिया में सारे बीमारी का जो जड़ है, 97% ऑफ द डिजीज इन द वर्ल्ड आर साइकोसोमैटिक, मनोशारीरिक। 97% जो रोग होते हैं मनोशारीरिक होते हैं, साइकोसोमैटिक। आईएमसी बिजनेस भी 97% आपका, अगर जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस का इंटरनल 97% रोल है। आपके अंदर का डर, फियर, आपको डर लग रहा है, घबरा रहे हो फील्ड पे जाने से, फेलियर से घबरा रहे हो। कौन रोक रहा है आपको प्लान लेने से? कौन रोक रहा है आपको होम मीटिंग लेने से? कौन रोक रहा है आपको फील्ड पे जाने से? कौन रोक रहा है आपको 5000 बीवी करने से? कोई नहीं रोक रहा है साथियों। रणभूमि से ज्यादा मन भूमि में आपका रण चल रहा है, तो रणभूमि से पहले मन भूमि में विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। कौन रोक रहा है आपको? किसने रोका है 5000 बीवी करने से? किसने बोला है आपको कैनोपी मत लगाओ? किसने बोला है आप टूर अचीव मत करो? किसने बोला है आप मुंबई क्रूज ऑफर ना करो? किसने बोला है थाईलैंड ऑफर ना करो? कौन रोक रहा है आपको? नोबडी। इट इज ओनली यू हु इज स्टॉपिंग योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, 97% बैरियर्स इधर है। जिस दिन इधर का बैरियर आपने हटा दिया, यू विल बी अनस्टॉपेबल। दुनिया में किसी माई के लाल की औकात नहीं है आपके पाओं को रोक दे, अनलेस आप रुक जाओ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोई अगर रोक सकता है, वो खुद आप। बाकी दुनिया में कोई माई के लाल, कोई आपका अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को रोक सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हु इज स्टॉपिंग यू, आपको आज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाट आर योर थॉट्स? आपका कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास गाड़ी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, आपके पास जो भी गाड़ी है, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, सब कुछ है आपके पास, गियर क्लच एवरीथिंग बहुत बढ़िया, एसी इंजन वगैरह, हॉर्स पावर वगैरह जबरदस्त, लेकिन उस गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी एक इंच आगे नहीं जा सकती। माय डियर फ्रेंड्स, सेम हाल हमारा भी है। वी आर फिट फिजिकली, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास विवेक है, हम मेहनत कर सकते हैं, एवरीथिंग। लेकिन क्या चीज रोक रही है हमको? माइंडसेट। सर मैं नहीं कर पाऊंगा, ओहो 5000 बीवी सर बेकार ऑफर है, कोई नहीं करेगा मेरी टीम में। पहले ही मेंटली गिव अप। अगर कोई नहीं कर सकता, तो इस महीने 8400 लोगों ने कैसे कर दिया? अगर कोई नहीं कर सकता, 8400 लोगों ने कैसे किया? यानी कि करने वाले लोग तो है, आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में लेकिन किंतु परंतु, काम तो करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखना मेरी बात को, गांठ बांध लेना, लाइफ में काम आएगा। साथियों, आज हमारी उम्र काम करने की, वी आर फिजिकली फिट। मैं देखता हूं ना अभी, क्योंकि मुझे किसी ने लिखा था कंफर्ट जोन का मुझे लिखा था किसी ने कि लोग कंफर्ट जोन में है। फ्रेंड्स, अभी हमारी काम करने की उम्र है, वी आर फिजिकली फिट, सोच सकते हैं, मैदान में दौड़ सकते हैं, एनर्जेटिक है, हम लोग जबरदस्त भाग दौड़ सकते हैं। आज हमारी काम करने की उम्र है। काम करने की उम्र में अगर हम आराम करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आराम करने की उम्र आएगी ना, उस दिन हमको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है। जो लोग काम करने की उम्र में कंफर्ट जोन यानी कि आराम करते हैं,
आराम करने की उम्र में उनको मेरा चैलेंज है, उनको काम करना पड़ेगा मजबूरी में, फिर चाहे उनकी कमर दुख रही होगी या कुछ नहीं। तो क्या आप भी, हाँ जी हमारे अख्तर जी, चलो कहाँ चलो भाई, ऑटो में आता हूं हैदराबाद अभी। ओके तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लिखिए, काम करने की उम्र में अगर आप आराम कर रहे हैं तो आराम करने की उम्र में आपको काम करना पड़ेगा। कितने लोग आज अब भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार है इस लाइफ के बाद? लिखिए, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। आज के बाद मैं कमिट करता हूं कि मैं पूरा महीना दम लगाऊंगा, मैं काम करूंगा, आराम नहीं करूंगा। लिखिए यस, आई एम रेडी। लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ चीयर्स, यस बिल्कुल चीयर्स। लिखिए आई एम रेडी टू वर्क, मैं कंफर्ट जोन छोड़ूंगा, वादा करता हूं मैं, वादा करना पड़ेगा। हाँ शिवकेश जी तैयार हैं, नरेश जी तैयार, दीपाली रेडी, माला जी रेडी, यस लिखिए। और आज आपका आपका यहां पे गवाह कोई नहीं है, आज केवल गणपति बप्पा, ओनली गणपति बप्पा है आपका गवाह। ये आप उनको कमिटमेंट दे रहे हो, राइट? तो आज आपको बहुत सोच समझ के लिखना है कि मैं कंफर्ट जोन, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू आंसर हिम। यस बिल्कुल प्रॉमिस, यस बिल्कुल प्रॉमिस करना है, कंफर्ट जोन छोड़ चुकी हूं, वेरी नाइस। राइट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, विकास ननावरे जी आई एम रेडी, यस वेरी नाइस। जब तक आप कंफर्ट जोन, फ्रेंड्स एक बात याद रखो, कंफर्ट जोन में जाना बुरी बात नहीं है, दुनिया में हर व्यक्ति कंफर्ट जोन के लिए ही काम कर रहा है, बट द बिटर ट्रूथ इज कंफर्ट जोन का रास्ता डिसकंफर्ट जोन से होके गुजरता है और हम वही डिसकंफर्ट जोन को पार नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन का रास्ता डिसकंफर्ट जोन से होके जाता है, पसीना निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कैनोपी पे खड़े होने पड़ेंगे, लोगों के रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारी गालियां खानी पड़ेगी, क्योंकि तालियों का रास्ता गालियों से ही होकर गुजरता है माय डियर फ्रेंड्स। तो गालियां सुनने पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में खूब यही लोग तालियां बजाने वाले माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो कंफर्ट जोन हमको छोड़ देना है, कल से कैनोपी, ये जितने भी लोग आज मुझे दिख रहे हैं 500 लोग, कल मुझे कैनोपी पे सब लोग दिखाई देने चाहिए। यस अमरेश जी आई विल मेंटेन, विजेंद्र सिंह आई एम रेडी टू वर्क, प्रेम लता सिंह आई एम रेडी, अख्तर जी यस ही इज ऑलवेज रेडी आई नो, दशरथ जी, प्रदीप जी यू आर यस फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस लवली फैंटास्टिक। लिखिए लिखिए बस 2 सेकंड। चलिए तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन टाइम मुझे रमन जी ने बहुत कम दिया हुआ है कि ज्यादा वाजपेयी जी आप बात मत करना, आप बहुत लंबा खींचते हो, आप में स्टॉप बटन नहीं है, मुझे बोला था उन्होंने, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा मेरी बातों को जल्दी जल्दी विराम देने की, उन्होंने बोला था कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, ठीक है। तो साथियों यहां पे कई लोग हैं, हम एक कहते ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है दोज हु आर वर्किंग इन बिजनेस एंड सेकंड पीपल दोज हु आर वर्किंग ऑन बिजनेस। एक होता है बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्किंग इन एंड वर्किंग ऑन बिजनेस। हम जितने भी लोग हैं यहां पे, हम बस इन बिजनेस काम कर रहे हैं, आईएमसी में काम कर रहे हैं, पे आउट आ रहा है, शांति से बैठ रहे हैं, आईएमसी में बस थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत रिटेलिंग कर दी और हम काम कर रहे, दिस इज वर्किंग इन बिजनेस, यानी कि ये जॉब समान हुआ, यू आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग द जॉब प्रोफाइल, आपने यू आर वर्किंग इन आईएमसी बिजनेस। कई कहते ना सर मैं आईएमसी में काम करता हूं, आईएमसी में काम नहीं करना है, आईएमसी के ऊपर काम करना है, वर्क ऑन बिजनेस, डोंट वर्क इन आईएमसी, वर्क ऑन आईएमसी। कैसे करना है वर्क ऑन? स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, आईएमसी के लिए क्या कर रहे हो, आईएमसी की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, वन दोज हू लाइक आईएमसी, सेकंड दोज हू लव आईएमसी, लव आईएमसी, लाइक आईएमसी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, फूल, फूल को मैं, हर बंदा फूल पसंद करता है ना, एवरीबडी लाइक्स फ्लावर। तो अगर मैं फूल मुझे पसंद है तो मैं गुलाब तोड़ लाऊंगा, है ना, मुझे फूलों से बहुत प्यार है, मैं आई लाइक फ्लावर, तो मैं क्या करूंगा, गुलाब तोड़ लाऊंगा। बट इफ आई लव फ्लावर्स, एक होता है लाइक फ्लावर्स, एक होता है लव फ्लावर्स, इफ आई लाइक अ फ्लावर आई विल प्लक इट, वाओ व्हाट अ नाइस फ्लावर, वाओ। बट इफ आई लव फ्लावर, मैं उसकी केयर करूंगा, मैं उसको पानी दूंगा, मैं उसके पौधों में पानी दूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, राइट?
तो एक होता है लाइक करना, एक होता है लव करना, सेम वे में कम्स टू आईएमसी। आप आईएमसी को अगर लाइक करते हो तो बस ठीक है, कुछ ना कुछ पे आउट ले रहे हो, कुछ टारगेट अचीव कर रहे हो, बट इफ यू रियली रियली लव आईएमसी, आप उसकी केयर करोगे, उसकी ग्रोथ के लिए काम करोगे, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। सारा कुछ डॉक्टर अशोक भाटिया, सत्यन भाटिया जी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या उन्होंने उनका ही ठेका लिया है कि उन्होंने आईएमसी को बढ़ाने का? व्हाट आर यू डूइंग? मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, आज भी जरूर बोलूंगा, कि योर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन योर अचीवमेंट। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा आपके अचीवमेंट से बड़ा होना चाहिए। यानी कि आपने क्या अचीव किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसा आप ऐसा क्या काम कर रहे हो कि आईएमसी की ग्रोथ आपकी वजह से जानी जा रही है। व्हाट आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स आईएमसी ग्रोथ? सर आईएमसी ग्रो नहीं कर रहा, आईएमसी कंपनी नहीं ग्रो कर रही है, कौन ग्रो करेगा? आज देश को आगे लेके जाना है तो खाली मोदी जी अकेले थोड़ी लेके जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तो नाउ आईएमसी की ग्रोथ के लिए व्हाट आर यू डूइंग? अरे आप आईएमसी की ग्रोथ छोड़ो, आप खुद की ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आईएमसी की ग्रोथ के लिए क्या काम करोगे? तो आईएमसी की ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही है, अरे ग्रोथ लाएगा कौन? कौन लाएगा ग्रोथ? हम कहां बैठे हैं? कंफर्ट जोन में। रघुपति राघव राजा राम, जितनी पे आउट उतना काम, यही है हमारा फंडा, है ना? रघुपति राघव राजा राम, जितना पे आउट उतना काम। सर आरएएस में क्यों जाऊंगा, मेरा तो पे आउट नहीं, कंपनी को बोलो मेरे को पैसा देने के लिए ट्रैवलिंग का, है ना? यही है हमारा कि हमको पे आउट नहीं आ रहा, मैं क्यों जाऊंगा आरएएस में, उधर मेरी टीम थोड़ी है, उधर मेरी टीम थोड़ी है सर, मैं तो मुंबई का हूं, मैं नासिक क्यों जाऊंगा, उधर मेरी टीम नहीं है, नासिक जाने में 500 रुपए लगता है, मैं 500 रुपए क्यों खर्चा करूंगा? और बातें करेंगे सर आईएमसी कैसे बढ़ेगी, मतलब तुमने भी जब टीम ग्रोथ की बात आई सिर्फ अपनी टीम का देखा, लेकिन दूसरी टीम के लिए अगर कहीं कहीं जाना पड़ा आपको, हाँ चाय बहुत बढ़िया, हाँ थैंक यू अख्तर जी फॉर चाय, रियली नीड द टी ब्रेक, क्या करूं लेकिन चाय पी नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं। तो साथियों खुद की टीम के लिए जाना हो तो खर्चा, लेकिन दूसरे की टीम के लिए जाना पड़ा तो फिर इसका मतलब आप भी सिर्फ, इसको कहते हैं सेल्फिश मोटिव, यानी कि आपको दूसरी टीम आगे बढ़े या दूसरों के उसमें हित में काम करना पड़े आपको मंजूर नहीं है। और फिर बोलते हो सर आईएमसी ग्रोथ नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि हर बंदा तुम्हारी तरह अपनी अपनी ग्रोथ के बारे में चिंतित है, दे डोंट लव आईएमसी, दे डोंट वॉन्ट टू सी आईएमसी ग्रोइंग। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, राइट कमेंट में कि यस वी एग्री, वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरीबॉडी, अपना अपना नहीं देखना है, सबको देखना है, सबका साथ सबका विकास, सब लोग अपने ही है, कोई क्रॉस टीम नहीं है। मेरे लिए तो कम से कम जितने लोग मुझे जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि डॉक्टर वाजपेयी ने बोला नहीं ये क्रॉस टीम है, कभी भी नहीं पाला हमने क्रॉस टीम वाला फंडा, सब लोग अपने हैं, हर बंदा अपना है। सो एवरीबॉडी वॉन्ट सक्सेस, हम मिलजुल के हम साथ में ताकत लगाएंगे, आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं है, इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, राइट? तो फ्रेंड्स डोंट लाइक आईएमसी, लव आईएमसी। आज के बाद में लिखिए लिखिए यस आई लव माय बिजनेस, आई लव आईएमसी, राइट डाउन। इफ यू डोंट लव आईएमसी देयर इज नो पॉइंट, ग्रोथ का तो छोड़ दो, लिखो आई लव आईएमसी, देखो कितने में दाम है लिखने का, लिखो आई लव आईएमसी, देखो कितने लोग लिखते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू लव आईएमसी, यस लिखो यस यस। दीपाली जी लिखे हैं, ओके कैलाश जी लिखे हैं, ओके अख्तर जी लिखे हैं, सुदीप दास जी फैंटास्टिक, ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया। परीक्षा शर्मा जी, भावना वर्मा जी, लवली लवली लवली। चलिए अरे यार मुझे कोई टाइम भी बताते जाना, नहीं तो मैं तो, हाँ अभी टाइम है मेरे पास, 15 मिनट है मेरे पास, कोई नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स बेसिक गणित जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, बेसिक गणित क्या है? बड़ी टीम मोटी कमाई, बेसिक गणित, बड़ी टीम मोटी कमाई। तो इसका अगर रिवर्स भी मान ले तो छोटी टीम छोटी कमाई।
हम यहाँ पे बड़ी टीम यानी कि बड़ी कमाई करने को आए हैं। तो बड़ी टीम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आपको नंबर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ेगा। तो बड़ी टीम का निर्माण करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। बड़ी टीम जब बनती है छोटे छोटे कदमों से है। सो व्हाट आर द स्मॉल स्टेप्स। अच्छा, मैं आज देखना चाहता हूं, आज हमारे एमसी में बहुत सारे लोग यहां पे एक्सपीरियंस लीडर्स यहां पे मौजूद है, तो हम लोग यहां पे एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बनाओ वो कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हम बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर लीडर्स अपना अपना एक एक वैल्यूएबल पॉइंट ऐड करें। व्हाट आर द स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर सक्सेस, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल स्मॉल स्टेप्स। लिखिए कौन से स्मॉल स्टेप्स लेके हम बड़ी सफलता या बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। सीनियर लीडर्स यू कैन कमेंट। देखो कौन कौन कमेंट करता है, वो कौन से छोटे कदम है जो लेकर हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते। चलिए कमेंट में लिखिए सीनियर लोग फटाफट। यस, होम मीटिंग, फैंटास्टिक। पहला है होम मीटिंग्स, प्रोस्पेक्टिंग, ओके, होम मीटिंग ओनली, ओके, लिस्ट मेकिंग, होम मीटिंग्स, डूइंग लर्निंग डेमोज, ओके, डूइंग लर्निंग डेमोज, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ओके, होम मीटिंग्स, डेली होम मीटिंग, कैनोपी, ओके, कैनोपी, फैंटास्टिक, होम मीटिंग, लिखते जाइए, परचेस, नॉन स्टॉप मेंटरिंग नीडेड, वी आर नॉट लेजी सोल्जर्स, ओके, इन्विटेशन, अपनी टीम को बस बेसिक नॉलेज, ओके, होम मीटिंग फॉलोअप, कैनोपी मस्ट, ओके, लोगों से बात करना, होम मीटिंग, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग, ओके, रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स आपने देखा किसी ने, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक है। तो साथियों एक बात ध्यान रखना, हमारा बिजनेस जो चलता है मीटिंग्स, माहौल, तो ये अब जो आरएस हमारा आ रहा है 21 मेगा आरएस अक्रॉस इंडिया, 21 मेगा आरएस, लर्न द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन को सीखिए। और हिंदुस्तान के 21 जगह पे आरएस होने जा रहे हैं, उन 21 में से अगर आपने 20-30% जगह भी अगर आपने लोगों को हिट कर दिया, टारगेट हिट कर दिया, तो आई एम श्योर आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। लर्न द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग, आपको इनविटेशन टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, राइट। तो इनविटेशन आप करिए, क्योंकि मीटिंग्स का माहौल बहुत जबरदस्त आपके उसको बदल के रख देगा। तो याद रखना है, बड़ी टीम का निर्माण करने के लिए छोटे छोटे हमको कदम उठाने पड़ेंगे। हमने आज एक तो 5000 बीवी की बात करी, मैं आपको भी एक चीज बताने वाला हूं, क्योंकि कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर हमारे लेग मेंटेन नहीं हो रहे, हमारे लीडर्स काम नहीं करते। मैं अभी आपको ऐसा कोई फॉर्मूला देने जा रहा हूं कि आपको नेटवर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके लेग मेंटेन हो जाएंगे। बिना नेटवर्क बढ़ाए आप अपने लेग्स मेंटेन कर सकते हो। कितने लोग सुनने में इंटरेस्टेड है। बिना नेटवर्क बनाए मैंने कि आपको ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है और फिर भी आपके लेग्स मेंटेन हो जाएंगे, बताइए कितने लोग जानने में इंटरेस्टेड है। बिना बड़ा नेटवर्क खड़े किए आपके लेग्स मेंटेन हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरे उस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा सेमिनार में। हाँ लिखिए, यस नरेश जी, यस आपके लेग मेंटेन होने वाले हैं बिना बड़ा नेटवर्क किए, बिना लोगों को जी हुजूरी किए हुए। यस यू आर राइट, फैंटास्टिक। तो फ्रेंड्स सिंपल है ये, इसका फॉर्मूला सरल है, लेकिन उसके लिए आप लोग का प्रेजेंस जरूरी है। मुझे एक बात समझना है, आउटलेट, फ्रेंचाइजी, टीडी, अगर मेरे पास आउटलेट है, अगर मेरे पास फ्रेंचाइजी है और अगर मेरे पास टीडी है, तो मंथली मुझे कितना करना पड़ेगा बीवी कंपलसरी। लिखिए कमेंट में लिखिए, देखो आप लोगों को कितना पता है एमसी का प्लान। आई एम अ आउटलेट ओनर, आई एम अ फ्रेंचाइजी ओनर, आई एम अ टीडी ओनर, तो मुझे कितना बीवी करना पड़ेगा कंपलसरी, ये बताइए मुझे। फटाफट कितने बीवी मुझे करने पड़ेंगे इफ आई एम एन आउटलेट ओनर। 1000 एवरी मंथ,
हाँ ओके ओके। आप लोग को किसी को लगता है प्लान पता नहीं ज्यादा। हाँ, भावना वर्मा जी लिखा है 1000 2000 3000। आई एम डीडी ओनर 3000 बीवी। यस आउटलेट ओके 1000 फॉर आउटलेट ओके। टीडी 3000 वेरी नाइस। और फ्रेंचाइजी का कितना? हाँ फ्रेंचाइजी एक्सेलेंट एक्सेलेंट सुदीप दास जी। सो नाउ कमिंग टू द क्या कहते हैं बड़ा पिक्चर, कि ज्यादा नेटवर्क में भी दिमाग नहीं चलाना है, ज्यादा नेटवर्क में भी दिमाग नहीं चलाना है, और हमारे लेग्स ऑटो मोड पे, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट ऑटोमेशन, वी ऑल वॉन्ट ऑटोमेशन, कि हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाए। इस महीने से लेकर नवंबर तक कंपनी ने तो 20-20 हजार दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप चेयरमैन हो या अगर आप रूबी हो, चलिए हम रूबी लेते हैं, आपके पास तीन लेग हैं रूबी, तीनों लेग में अगर आपके पास आउटलेट्स अगर खुलता है, सोचिए एक आउटलेट का 1000 रुपये गिरता है। अगर आपने इस फॉर्मूले पे काम किया अगले 3 महीना, 20 आउटलेट्स इन वन लेग। हम क्या करते हैं, हम एसोसिएट्स को मिलने जाते हैं, रिपर्चेस के लफड़े में पड़ता है, वो कभी रिपर्चेस करता है कभी रिपर्चेस नहीं करता है, सर इस महीने खरीदा अगले महीने नहीं खरीदा। लेकिन अगर उसने आउटलेट खरीदा उसको कंपलसरी खरीदना पड़ेगा 1000 बीवी, यानी कि मैं आज के बाद 1000 बीवी का प्लान 5000 बीवी का प्लान नहीं, आई विल मेक श्योर आई विल गिव अ प्लान ऑफ आउटलेट ओपनिंग स्ट्रेट टीडी फ्रेंचाइजी आउटलेट। अगर मेरे डाउन में 20 आउटलेट हुए तो 20000 बीवी श्योर शॉर्ट गिरेंगे। अगर मेरे मेरे डाउन में 10 फ्रेंचाइजी है तो 20000 श्योर शॉर्ट गिरेंगे बिना रिक्वेस्ट किए, बिना रिक्वेस्ट के 20000 बीवी। अगर मेरे डाउन में 10 टीडी है, 10 टीडी, तो 30000 बीवी हर हाल में गिरते हैं। या सिर्फ 3 टीडी है, सॉरी सिर्फ 7 टीडी है, तो 21000 बीवी। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला कितने लोग को समझ में आ रहा है? अब कई लोग बोलेंगे सर अरे इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। आसान तो कुछ भी नहीं है, नौकरी करना आसान है क्या? क्या चीज आसान है? क्या बॉडी बनाना आसान है? बिरयानी बनाना आसान है? क्या प्रोस्पेक्टिंग करना आसान है? आसान कुछ भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, आसान बनाना पड़ता है। इट इज जस्ट अ स्ट्रेटजी। इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू डू प्रोस्पेक्टिंग, फाइंड पीपल दोज हु कैन इन्वेस्ट मनी। धन लगता है तो मन लगता है, धन लगेगा अपने आप उसका बिजनेस में मन लगता है। आप लोग फ्री में ज्वाइन करवाते हो इसीलिए लोगों का मन नहीं लगता है। तो धन लगवाइए अपने आप उसका मन लगेगा, आपके लेग भी मेंटेन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखना है 30000 से जब भी जाते हैं आईएमसी की बात करने को, स्टार्ट विद आउटलेट, आउटलेट का ही पिचिंग करना है, क्योंकि लोगों को बीवी पीवी नेटवर्क समझ में नहीं आता है। तो ज्यादा से ज्यादा आउटलेट फ्रेंचाइजी एंड टीडी पे फोकस करेंगे तो आपका बिना नेटवर्क बनाए ऑटो मोड में आपका बिजनेस, ऑटो मोड में आपका बिजनेस, विच इज आई एम हाईलाइटिंग एन नंबर ऑफ टाइम, ऑटो मोड पे। क्या है मानो तो मजा है, नहीं तो समस्या नहीं हो रोज है। हाँ क्या है, हाँ मानो तो समस्या नहीं तो रोज है, राइट। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऑटो मोड पे जाए तो फोकस मोर ऑन द आउटलेट्स, क्योंकि हम 5000 बीवी को प्रमोट कर रहे हैं। एक आउटलेट अगर वो खोलता है तो बड़े आराम से 10000 से 12000 बीवी का बिजनेस वो दे देगा, उसको हम लोग 5000 बीवी के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो 5000 बीवी बार बार लगातार, बार बार लगातार। तो साथियों बड़ी टीम बनाने के लिए बड़े दिग्गज लोगों को लाना पड़ेगा जो धन लगा सकते हैं, क्योंकि धन लगता है तो मन लगता है, ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखना, राइट। तो आउटलेट्स फ्रेंचाइजी एंड टीडी कैसे लाना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है, ये आप लोग अपने अपने अपलाइन से पूछ लीजिए कि सर मुझे बताइए मैं क्या क्या पिच करूं, क्या क्या पिच करूं। तो फ्रेंड्स ये एक बात आपको याद रखना है, ये बिजनेस जो है टीम वर्क का है, इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी शो। मैंने कई लोग को देखा है खुद ही प्लान दिखाते हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी शो, है ना। आपको अपनी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, टीम निर्माण की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जूम एक्टिविटीज, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार्स, आरएएस को अटेंड करना पड़ेगा, 5000 बीवी को आपको अचीव करना पड़ेगा,
ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स लोगों को आपको अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा। तो ये ख्वाहिश को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है आज ऑफर आया है, आई हैव सीन मेनी पीपल दे आर नॉट एक्साइटेड। अरे क्या सब फालतू ऑफर है, सब फालतू ऑफर है। फ्रेंड्स, ख्वाहिश, ख्वाहिशें जिंदा रखती है, मुर्दों को कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ख्वाहिश, मुर्दों में कोई ख्वाहिश नहीं होती। अगर आप में ख्वाहिश नहीं है कुछ अचीव करने की, दैट मीन्स आप मुर्दा ही मुर्दे समान ही है। ख्वाहिश को जिंदा रखो कि यस दिस मंथ मैं पूरा करूंगा, इस मंथ मेरे टीम से कम 20 लोग 5000 बीवी करवाऊंगा। चलो अभी देखता हूं आखिरी दम, क्योंकि मेरे जाने का समय 10 मिनट और बचा है मेरे पास, कितने लोगों में दम है बताने का कि मैं अपनी टीम से मिनिमम 10 लोगों को 5000 बीवी करवाऊंगा। कितने लोगों में दम है लिख के बताओ, मेरे को लिख के बताओ कौन किस में दम है। इंसान को ख्वाहिश रखनी चाहिए बिल्कुल, वरना मौत से बदतर है, मुर्दों से बदतर है बंदा जिसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट किसी में नहीं होता। आज इतने जबरदस्त धमाकेदार ऑफर आए हैं, लेकिन मैंने कई लोग को देखा है दे आर नॉट एक्साइटेड एट ऑल, बिकॉज दे आर नॉट अ लिविंग क्रीचर एनी मोर, दे आर लिटरली अ डेड बॉडी, सिर्फ सांस ले रहे हैं, जिंदा है लेकिन वो मुर्दों से बदतर है, क्योंकि अंदर ख्वाहिश नहीं है। सुदीप दास जी हमारे बंगाल से 25 लोगों को क्वालिफाई कराने वाले हैं, फैंटास्टिक, पहली बोली आई है 25 लोग। नरेश जी बोल रहे 20 लोगों को, देखिए अभी हमारी यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है। कैसे लोगों की क्वांटिटी कम हो रही, क्योंकि लिखने का दम नहीं है, यही है, यही मेरे को चेक करना है, फिल्ट्रेशन है ये, क्योंकि बातों करने से कुछ नहीं होता। वंदे मातरम ये मैंने बहुत देखा हुआ है, लेकिन देखिए जब लिखने की बारी है आप लोगों में दम नहीं है। यहाँ पे लिखिए लिखिए, मैं देखूं कितने लोगों में दम है, यहाँ पे सबका मैं देख रहा हूं। यहाँ पे दीपाली जी 16 पीपल, ओके, नहीं नॉट ट्राई, ट्राई क्या होता है। राम जी आई विल ट्राई, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई। अभी मैं बोलूं मैं मेरे पास ये मोबाइल को मैं उठाने का ट्राई करूं, ट्राई व्हाट इज ट्राई, नहीं, या तो मैं उठाता हूं या तो छोड़ देता हूं, ट्राई कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड बी वेरी श्योर शॉट। सोमनाथ जी 10, ओके, 25 लोगों से। भावना जी हमारे ग्वालियर वाले फायर पे है, 10, दे आर नॉट लिविंग क्रीचर एनी मोर, यस 10 लोगों करवाऊंगा, यस यू शुड बी वेरी डेफिनेट। अनिकेत मोहिते जी 10 लोग, राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट राइट। विकास दनवर जी 49, वाह एक्सीलेंट, 25 लोगों से 5000 बीवी, फैंटास्टिक। देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं, कैसे लोगों, क्योंकि अब कमिटमेंट की बारी है, वो ये सब मुर्दा लोग अभी भाग रहे हैं क्योंकि उनको कुछ बोलना पड़ेगा, यस, लेकिन दम वाले लोग टिकेंगे अभी। विनय सिंह 20, मनोज कुमार साहू 20, 10 लोग, फैंटास्टिक, 10 लोग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, 15 लोगों के बाद, ओके लवली। चलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत जबरदस्त। फ्रेंड्स मैं आपको बस जाते जाते मैं कुछ प्रकृति के नियम और हाउ वी कैन को रिलेट विद IMCU बता के जाना हो। फ्रेंड्स प्रकृति का नियम क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे शरीर में से 24 घंटे के अंदर बाहर निकल जाना चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, वॉट एवर फूड वी ईट शुड बी डिस्कार्डेड विद इन 24 आवर्स, Whatever water we are having should be discarded within 2 to 4 hours. 2 to 4 घंटे में पानी बाहर निकल जाना चाहिए। हवा सेकेंड्स में बाहर आ जानी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें, सम नेगेटिव इमोशंस, सम नेगेटिव फीलिंग्स, जेलेसी, दूसरों से क्या कहते हैं खुश नहीं होना, दूसरों की सफलता में खुश नहीं होना, उससे जलन पालना, उससे दुखी होना, दुनिया बेकार है, दुनिया चोर है, नेगेटिविटी, ये सब चीज अगर आपके शरीर में से जल्दी बाहर नहीं करोगे, दिस विल इन टर्न टर्न यू इनटू अ मेंटल पेशेंट, मानसिक रोगी, आप मानसिक रोगी बन जाओगे अगर इन चीजों ने आपके दिमाग में घर कर लिया। साथियों जैसे खाना बाहर हो जाना चाहिए, हवा बाहर हो जानी चाहिए, पानी बाहर हो जाना चाहिए, इसी प्रकार से जो नेगेटिव थॉट्स है, मे बी IMC को लेकर आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट आया होगा, बिजनेस खत्म हो गया है, लगता है मेरा बिजनेस, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, वो गाना उनको मुझे याद आता है उनको देख के, कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपके ही काम की है। याद करना उस दिन को क्यों आपने शुरू किया था, यू आर नॉट हियर टू क्विट, क्विट नहीं करना है,
हम आपके साथ में, क्विट नहीं करना है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। इस महीने बहुत जबरदस्त ऑफर्स के साथ में, बहुत जबरदस्त मेगा आरएस की तैयारी है, तो नेगेटिविटी को ज्यादा घर नहीं बनने देना है। इमीडिएटली मेडिटेशन करके अपने अपलायन के संपर्क में आके इनको बाहर रखिए। अपना एक्शन प्लान मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल रीजन, अंदरूनी रीजन आपको पकड़ के रखा है, जैसे गाड़ी का हैंड ब्रेक, आपके दिमाग का ब्रेक आपने लगा के रखा है, उस सिर्फ ब्रेक को रिलीज करने की देन है और फिर बस टेक ऑफ। यस, देन यू विल बी रेडी फॉर द टेक ऑफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लगाना है, अपने अंदर के जितने भी जो बैड फीलिंग्स है, अपलाइन के प्रति आपके पास कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, या मन मुटाव है, या अपने डाउनलाइन के प्रति, आज गणपति बप्पा के पावन दिन पे लेट अस ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट। आज हम सब अपने माइंड से लोड को कम करते हैं, हम सब ग्रोथ की बातें करते हैं। आज से कहते हैं ना हम लोग, वी विल रीवायर आवर ब्रेन, हम लोग अपना फ्रेश माइंडसेट लेके दोबारा से मैदान में उतरेंगे। और इस महीने वी आर हियर टू राइट द हिस्ट्री। मैं आखिरी में जाते जाते सिर्फ यही बात सबसे जानना चाहता हूं, इस महीने आरएएस में कौन व्यक्ति कहां कहां जाने वाला है, फटाफट, लास्ट लास्ट मेरा टॉपिक है, दो मिनट मेरा और बचा हुआ है। इस महीने कौन कितने आरएएस में जाने वाला है, बिकॉज सफलता का जो पहला कदम होता है वो होता है निर्णय। आपने निर्णय लिया, आप पहले खड़े हो या लाइन में आखिरी खड़े हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। सो आप आरएएस में जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। यस, बेलगाम जाने वाले हैं, मुंबई आने वाले हैं, भोपाल, दिल्ली, ओके, राइट डाउन, डोंट वरी, मुंबई, अरे राव साहेब समुद्र जी हमारे मुंबई में, वेलकम, स्वागत है, वेरी नाइस, राइट डाउन, हरियाणा, फैंटास्टिक, 100 लोग के साथ में, दिल्ली, कोलकाता, सुनील कुमार जी, विकास ननावरे जी, मुंबई, यस, मुंबई में, मैं आपको बता दूं, ना केवल कंपनी 5000 बार बार, मुंबई में इस बार 5000 लोग का सेमिनार करने जा रहे हैं हम लोग, 5000 का, तो इस बार मुंबई में भी 5000, जबरदस्त धमाका करने वाले हम लोग, राइट। तो फ्रेंड्स, साथियों, आज बहुत मजा आया, साथियों अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखना है, अपनी सोच को अनलिमिटेड करना है, अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग करना है इस महीने में, जबरदस्त स्पॉन्सरिंग। कल कैनोपी डे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज हमने बहुत सारी खुशखबरी देखी है, 20,000 लेग मेंटेनेंस इस महीने, आई एम श्योर आप सभी लोगों का लेवल मेंटेन हो जाए, आप लोग जबरदस्त ग्रोथ मारिए, आप लोग मुंबई क्रूज ऑफर में जाइए और आपके आरएएस में लोग भर भर के जाए, यही गणपति बप्पा से मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम सबका बिजनेस इस महीने गणपति बप्पा बहुत जबरदस्त कर देवे। इसी शुभकामना के साथ में मैं अभी आप सभी से विदा लेता हूं, उम्मीद करता हूं ये लाइव आपके लाइफ को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया हूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, गुड एमसी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू सून। याद रखना है, सक्सेस टॉक, सक्सेस लीडर टॉक, ये पेज है रोज रात को 9 बजे, सेम पेज सेम जगह, रोज एक धमाकेदार लीडर आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड टू रमन कुमार विजय प्लेस। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी ऑफ यू फॉर अटेंडिंग इन लार्ज नंबर्स। खासकर धन्यवाद करना चाहूंगा रमन कुमार विजय जी को, जिन्होंने मुझे उनके पेज पे आने का मौका दिया, है ना, फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस में मुझे आने का मौका दिया। सो रमन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू, गुड एमसी एंड सी यू सून। यस, बहुत ही बढ़िया, एंड गणपति बप्पा मौर्या।